हेलो दोस्तों, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जनरल साइंस यानी कंपाउंड्स एंड कॉमन यूज क्लास वन। मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या बिहार बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं या 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में वीडियो देखे। मैंने जीके जीएस के बहुत सारे वीडियो इजी वे में बताया है और वहां से आप अपनी तैयारी शुरू करें। कैसे तैयारी करना है किसी प्रतियोगिता परीक्षा की, मैंने सब अपने प्लेलिस्ट के वीडियो में बता दिया। मैथ के भी कुछ वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपको इस तरह सिखाने वाला हूं कुछ कॉमन यूज कंपाउंड के बारे में कि इसी से प्रश्न आते हैं और आपको क्या पढ़ना वही मैं आपको बताने वाला हूं। आप प्रीवियस ईयर पलटाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और एग्जाम में भी यही प्रश्न आने वाले। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, अब मैं लेके आया हूं नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाला हूं, ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी? ब्लीचिंग पाउडर। याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कौन से ब्लीचिंग पाउडर से क्या प्रश्न बनेगा और बस कितना पढ़ना ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बस आप याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका हिंदी में नाम है बिरंजक चूर्ण। क्या नाम है? बिरंजक चूर्ण। याद करके रखिएगा, अगर कोई हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है तो वो भी आसानी से समझ सकते हैं। क्या नाम है? बिरंजक चूर्ण। अब आपको इसका फॉर्मूला पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सिंपल याद रखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए आपको फॉर्मूला पूछेगा तो आप इसे दो टाइप से लिख सकते हैं। कितने टाइप से लिख सकते हैं? दो टाइप से। कैसे लिखेंगे? CaOCl2। क्या लिखेंगे? CaO हो सकता ऑप्शन में ये हो, या तो आप बोल सकते हैं CaO और Cl और SaCl2, इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा फॉर्मूला, आप इजी वे में क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कह सकते हैं बिरंजक चूर्ण हिंदी में, और इनका फॉर्मूला पूछे तो आप, अब देखिए प्रश्न कैसे बार बार घुमा देता है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम बदल देता है, यानी केमिकल नेम आपसे पूछे। क्या पूछे? केमिकल नेम। तो याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इसे कहा जाता है एकदम सिंपल सिंपल, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहा जाता है? कैल्शियम। कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुका है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। याद करके रखिएगा आप लोग, एक तो ये नाम हुआ, दूसरा नाम याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पूछा जाएगा हमसे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। एक दो और नाम है, देखिए आप हिंदी में नाम याद रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए जब भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाए तो कोशिश करें कि साइंस के क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में एनालाइज करें, क्योंकि उसके नाम जो है ना बदलते रहते हैं। हो सकता है देखिए ब्लीचिंग पाउडर है और आपके ऑप्शन में ये नाम दे दिया कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ब्लीचिंग पाउडर के चक्कर में ढूंढते रहे और हमारा क्वेश्चन छूट जाए, ऐसी गलती बिल्कुल आप नहीं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दो नाम और आपको याद रखने, बिल्कुल ईजी से, क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या कहा जाता है? यानी क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, ये भी आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछे क्लोराइड ऑफ लाइम तो आप समझ जाइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। और एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि एक और नाम इनके हैं, एकदम सिंपल याद रखिएगा। क्या नाम याद रखना है? क्लोरीनेट। क्या नाम याद रखिएगा? क्लोरीनेट लाइम। क्या बोल सकते हैं? क्लोरीनेट, क्लोरीनेट लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर से क्या प्रश्न आने वाला, सबसे पहला या तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछेगा या इनके अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद हो गया। दूसरा याद रखना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरा याद रखना क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या याद रखना है? और उसके बाद याद रखना है क्लोरीनेट लाइम। क्या याद रखना है? क्लोरीनेट लाइम। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए अब इसे तैयार कैसे किया जाता है, प्रीपेयर को समझते हैं। किसको? तो प्रिपेयर करने के लिए बाई पासिंग कर, ठीक है, बनाने की विधि, पासिंग करते हैं किससे? क्लोरीन से। एक और याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर आपको पहचानना है, मालूम करना है कि ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो उसमें क्लोरीन का स्मेल होगा। क्या होगा? क्लोरीन का स्मेल, ठीक है, क्लोरीन के स्मेल से आप पहचान सकते हैं। याद करके रखिएगा, बाई पासिंग क्लोरीन।
याद करके रखिएगा, बाईपासिंग क्लोरीन ओवर सिलेक्ट लाइन, बूझा हुआ चूना यानी शुष्क बूझा हुआ चूना, क्या बोलेंगे ओवर, याद करके रखिएगा, सिलेक्ट लाइन यानी शुष्क बूझा हुआ चूना किसके साथ अभिक्रिया कराना है, तो शुष्क बूझा हुआ चूना के साथ कितना डिग्री, याद करके रखिएगा, अगर आपसे केल्विन में प्रश्न पूछेगा एट 313 केल्विन, कितना केल्विन 313 केल्विन, ये याद रखिएगा, कितना केल्विन में अभिक्रिया कराना है और किसके साथ कराना है, तो सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन को हिंदी में कहा जाता है बूझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं बूझा हुआ चूना, याद करके रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप आसानी से प्रश्न को समझ सकते हैं, याद हो गया। चलिए इसका रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन कैसे बनता है आसानी से मैं आपको, तो सिलेक्ट लाइन की बात जब भी करेंगे तो आसानी से याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है COH का हॉल टू, है COH का हॉल टू, किससे अभिक्रिया कराना है क्लोरीन से कराना है, तो एकदम सिंपली जब अभिक्रिया कराइएगा ना, तो यहां देखिए कैल्शियम किसके साथ चला जाएगा Cl के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, यही बनाता है, क्या बना दिया CaOCl2, किसका फॉर्मूला है, तो आपको याद हो गया होगा कि सर अभी तो आप लिखे हुए थे ब्लीचिंग पाउडर का, किसका फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, इसी के अन्य नाम हमने बताया, और क्या बच गया तो H2O वाटर बच गया। अगर रिएक्शन भी आपसे पूछे, हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है कि सिलेक्ट लाइन से अभिक्रिया कराने पर कौन सा रिएक्शन आएगा, तो आप इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितना डिग्री केल्विन पे, तो याद करके रखिएगा 313 केल्विन पे, आप आसानी से प्रश्न को समझ गया होंगे। ब्लीचिंग पाउडर से क्या प्रश्न आने वाले, चलिए मैं फिर एक बार रिकॉल कर देता हूं, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर, तो उसका फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, फॉर्मूला के बाद आपसे पूछेगा इनका अन्य नाम क्या है, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा कि क्लोराइड ऑफ, या बोल सकते क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोरीनेट, क्लोरीनेट लाइम, ठीक है, उसके बाद आप आसानी से बोल दीजिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद हो गया। चलिए अब इनके यूज्ड आपसे खूब प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सर इसका यूज्ड किस में होता है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल याद रखिएगा कि ब्लीचिंग एजेंट में, किसमें ब्लीचिंग एजेंट इन, याद करके रखिएगा पेपर में, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, उसके बाद याद करके रखिएगा इन पेपर में, किसमें इन पेपर में, आपके ऑप्शन में ये दिए रहेंगे, किसमें उपयोग किया जाता है, तो पेपर में, क्या बोलेंगे दूसरा याद करके रखिएगा, इसी के अंदर आप आसानी से बोल सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, किसमें टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और एक प्रश्न इसमें और याद रखना, लीनन और कॉटन का जो कपड़ा बनाया जाता है तो उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं ब्लीच कॉटन क्लोथ में, किसमें एंड ब्लीच कॉटन क्लोथ में, क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बस आसानी से याद रखेगा कि ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर में, ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखेगा कॉटन क्लॉथ में, ठीक है, या लीनेन में भी प्रश्न हो सकता है, या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पहला यूज आप याद रखेगा, आपको ब्लीचिंग पाउडर से मुझे उम्मीद है एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस दूसरा यूज याद रखना कि मैं क्लोरोफॉर्म, क्या बनाने में क्लोरोफॉर्म, बस देखिए जो इंपॉर्टेंट यूज है हमें वही पढ़ना है, बाकी तो सारे स्टूडेंट को याद रहता है, और एग्जामिनर भी यही समझता है कि जो याद है मैं उसे नहीं पूछूंगा, जो एक्सेप्शन यूज्ड है उसे आपको पढ़ना है, जिससे आपके प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए। दूसरा याद रखिएगा मैक क्लोरोफॉर्म में, किसमें मैक क्लोरोफॉर्म, याद करके रखिएगा, किसमें मैक क्लोरोफॉर्म, याद हो गया पहला ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और याद रखिएगा ब्लीचिंग कॉटन क्लॉथ में, दूसरा याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से समझ गए होंगे। अब याद रखिएगा दूसरा बासिंग सोडा, क्या याद रखिएगा वाशिंग सोडा, मेरे प्यारे बच्चों वाशिंग सोडा से क्या प्रश्न आने वाला है गौर से देख लीजिए, फिर सिंपल सा प्रश्न आपको याद रखना है कि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा NA2CO3, क्या याद रखिएगा कहाँ भाई
CO3 10H2O। क्या याद रखिएगा? Na2CO3 10H2O याद हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आसानी से देखिए ऐसे याद रखिएगा Na2CO3 10H2O। किसका फॉर्मूला है? तो वासिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है। अब याद करके रखिएगा केमिकल नेम इसका क्या, अगर इसे केमिकल रूप में कॉमर्शियली किस रूप में जाना जाता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा Na2 का नाम क्या है, ऐसे याद करके रखिएगा, क्या नाम है? सोडियम, ठीक है। CO3 को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट। तो अगर आपसे पूछा जाए केमिकली नेम, तो आप क्या बोलिएगा? सोडियम कार्बोनेट। और जनरल नाम में पूछे वासिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलेगा? Na2CO3 10H2O। याद हो गया, बार बार आप रिकॉल करके पढ़े तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आपका कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न छूटने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप आसानी से समझते हैं कि चलिए इसका फॉर्मूला और इसका यूज तो कर लिए, सर इसका यूज किस में होता वो याद रखेगा, बस ज्यादा नहीं, दो प्रश्न आसानी से आ जाएंगे अगर आपको यूज से पूछे जाएंगे। पहला याद करके रखिएगा कि इसका यूज जो है ना सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर में किया जाता है, किसमें किया जाता है याद करके रखिएगा, लिखिए इट इज यूज्ड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आपके ऑप्शन में इसी वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए आप इसको याद करके रखिएगा सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। दूसरा याद रखिएगा मैन्युफैक्चर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ग्लास का जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं ना उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड, याद करके रखिएगा, इट इज यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, किसमें? इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, किताब देख के परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल आप पढ़ लीजिए और इतना पढ़िए, 8 घंटा सोना भी है 8 घंटा पढ़ना भी है, ठीक है। और आपको दोस्तों से गप्पे भी मारने, ऐसा नहीं कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमें बस ये सोचना है कि 8 घंटा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना और ईमानदारी से पढ़ना, 8 घंटा सोना भी है और दोस्तों के साथ डिस्कशन भी करना है, कभी किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर ले, कभी कुछ एंटरटेनमेंट चीजों पे भी डिस्कशन कर सकते हो, तो फिर आप किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि हमें दोस्तों को भी पढ़ना है, गांव समाज को भी पढ़ना है अगर हम सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। तो सिर्फ किताबों पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करने, हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ चीजों को हमें माइंड में सेव करके रखना है। तो क्या याद रखना है कि वासिंग सोडा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने वाले हैं, तो आपसे फॉर्मूला पूछेगा Na2CO3 10H2O, याद हो गया। दूसरा याद रखेगा इसका नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट नाम है। इसका यूज किस में, तो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर में, याद रखिएगा। और याद करके रखेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, इसमें बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको वासिंग सोडा से, और 100% बिहार पुलिस में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बना के आएंगे। चलिए आप नेक्स्ट आते हैं जिससे खूब प्रश्न आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आप इसका पार्ट वन देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है आपको, मैंने उसमें बताया है साल्ट के बारे में, कॉमन साल्ट के बारे में, कास्टिक सोडा के बारे में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें बता दिए, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो को देखें और कापी कलम लेके बैठे और आसानी से बनाए क्वेश्चन को। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से याद रखिएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, बस एक बार इस वीडियो को देखें और आपके सारे प्रश्न आसानी से बनने वाले। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या पूछेगा? सर यही पता नहीं है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं, सेकंडों में क्वेश्चन आप बना के आएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी प्लास्टर की बात करें तो एक यूज तो आपके माइंड में आ गया होगा कि अच्छा बॉन्ड्स को क्या करने में, जोड़ने में इसी प्लास्टर का तो यूज किया जाता है, रिलेटेड वर्ड आप माइंड में यूज करें, आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फॉर्मूला पूछेगा तो आप आसानी से बोल दीजिएगा CaSO4 1/2H2O, क्या बोलेंगे? CaSO4 1/2H2O, याद हुआ CaSO4 1/2H2O, याद करके रखेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 1/2H2O, याद हो गया। चलिए अब याद करके रखिएगा इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रश्न में आता है प्रिपेयर यानी तैयार कैसे किया जाता है, तो सिंपल याद रखिएगा इसको हिट करना है किससे के साथ, जिप्सम के साथ, है ना, जिप्सम के साथ हिट करना है, गर्म करना है बाय हीटिंग, याद करके रखिएगा हिट करना है किस पे, जिप्सम पे, किस पे हिट करना है, एकदम सिंपल जिप्सम पे हिट कीजिए।
आप कहेगा सर जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी प्रश्न में आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला में से सिर्फ 2 को हटा के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, CaSO4 और 2H2O बोल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हाफ एच टू है, यहाँ 2H2 है, बस इतना डिफरेंट है। CaSO4 हाफ एच टू है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, और इसी जिप्सम के साथ जब हम हिट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार हो जाता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपसे पूछे तो बोलिएगा CaSO4, इससे ज्यादा कुछ मत पड़ेगा, आपका 100% क्वेश्चन बनेगा CaSO4 हाफ एच टू, ठीक है। उसके बाद याद रखेगा प्रीपेयर्ड हीटिंग जिप्सम के द्वारा इसे गर्म किया जाता है, हिट किया जाता है कितना केल्विन पे, तो लगभग याद करके रखिएगा 393 केल्विन पे, अबाउट याद कर लीजिएगा एट अबाउट 393 केल्विन पे, जिप्सम में कितना केल्विन पे, 393 केल्विन। अगर टेम्परेचर पूछे तो आप आसानी से बना दीजिएगा, याद करके रखिएगा। यूज्ड किसमें करना है, बस दो यूज्ड को आप आसानी से याद कर सकते हैं, पहला मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने में, क्या बनाने में मेरे प्यारे बच्चों, तो मेकिंग टॉयज आप आसानी से, अगर कोई हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है तो आप हिंदी में वर्ड को लिख ले, आसानी से आपको समझ में आएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप साइंस के प्रश्न को इंग्लिश में बनाएं, तो आपके सेकंडों में बन जाएंगे और समय आपका बच जाएगा। मेकिंग टॉयज यानी खिलौना बनाने में। दूसरा याद रखिएगा कॉस्मेटिक, किसमें, कॉस्मेटिक, ठीक है, कॉस्मेटिक। एंड याद करके रखिएगा कास्ट ऑफ स्टैचू बनाने में, किसमें, कास्ट ऑफ स्टैचू यानी मूर्तियां बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मूर्तियां जब बनाते तो प्लास्टर किया जाता है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कॉस्मेटिक ऑफ स्टैचू बनाने में, किसमें, और कॉस्मेटिक में मेकिंग टॉयज में। दूसरा यूज करके याद करके रखिएगा, जो हम लोग अपने लाइफ में इसका यूज करते हैं, कास्ट फोर सेटिंग ब्रोकन बोन्स यानी हड्डियों को जोड़ने में, किसमें, कास्ट फोर सेटिंग, याद करके रखिएगा सेटिंग ब्रोकन बोन्स में, किसमें, ब्रोकन बोन्स में यानी हड्डियों को जोड़ने में हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मुझे उम्मीद है मेरे सारे प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए SSC हो या BPSC हो या बिहार पुलिस के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें, आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।